आज करेंगे भाई इसके कान का ट्रीटमेंट। गुड मॉर्निंग। जैसे ही भाई डॉक्टर जी बता देंगे क्या क्या करना है, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करते, डॉक्टर के बताने के बाद करेंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। उनके अंदर ज़्यादा ही जान आ रही है, इसका तो पैर भी टेढ़ा सा है। और ये हमारी गेंद, ओए बस ये मान लेते हैं थोड़ी सी मेरी। सुबह ही सुबह हो गया है जिम में जाने का, चलते हैं जिम में और करते हैं मॉर्निंग वर्कआउट सेशन अच्छे से। फिर आज के दिन में क्या क्या कुछ कुछ होने वाला है वो देखते हैं क्या होगा, ऐसा कुछ प्लानिंग थोड़ा है मेरी, मतलब कुछ भी। अरे पहलवान जी कहीं कहीं चला जाता है, इसको समझाओ। Coming out with a statement, you really changed, man. All your music and arrangement, you don't know shit. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, 'cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, 'cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life. Meanwhile. सो गाइस, वर्कआउट हो गया आज का कंप्लीट और भाई भी जाना तो था कोर्ट, बट शायद वर्क सस्पेंड हो गया है। और वैसे भी भाई ट्यूलिप में जाना था, बैक की भी थेरेपी करानी है, शोल्डर का भी ट्रीटमेंट कराना है, मम्मी को भी लेके जाऊंगा। और हमारे एक भाई मामा जी हैं, वो भी कल रात को एडमिट हुए हैं, तो उनसे भी एक बार मिल के आना है। ट्यूलिप में ही एडमिट हुए हैं वो भी, तो बस अभी घर जाके चेंज वेंज करके फिर वहाँ निकलते हैं। A few moments later. तो वही अब हम जा रहे हैं ट्यूलिप हॉस्पिटल में, मम्मी और मैं। ट्रीटमेंट भी कराना है फिजियो पे और मामा जी से भी मिलना है भाई, उनकी तबीयत का हाल चाल देखते हैं क्या कुछ हुआ है। पापा जी का फोन आया था तो भी हम जा रहे हैं ट्यूलिप हॉस्पिटल। हेलो गाइस, के बाद में प्रैक्टिस से छुट गई आपकी, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे आप? तो भाई मामा जी से भी मिलाए, फिजियोथेरेपी भी करवा ली और अब भाई मैंने मम्मी जी को सेक्टर 23 में ड्रॉप कर दिया और मैं जा रहा हूँ भाई घर पे। तो मम्मी जी भाई यहाँ से अपना डायरेक्ट पार्क जाएंगी, तो चलते हैं घर। तो भाई अभी नहा धो के भाई जिम में जाने का टाइम हो गया था और बच्चा पार्टी भाई पहले ही यहाँ पे रेडी है। क्या ले गए अपना? ये स्पून लेके रेडी हुए हैं भाई, इनकी करानी थी लेमन रेस बट हम हो रहे हैं थोड़े से लेट और लेमन भी नहीं है अभी हमारे पास। हाँ संडे या मंडे को कर लेंगे हम, ठीक है प्रॉमिस। हाँ बट एक चीज़ मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या है पहले ये बताओ, ये देखो जल्दी किस चीज़ में है ये? ये पता है किनके लिए है? बाहर पपीज के लिए, ठीक है। इनमें ना पानी डालना है सबको, ओके? ये बच्चों के पीने के लिए। भाई अभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और पूरी गली में अगर कोई खाना भी दे रहा है ना भाई तो बट है ना, इनके लिए ना पीने के लिए नहीं था तो ये ले आए हैं हम। देखो देखो भाई, क्योंकि ना पूरी गली में इनको ना पानी पीने के लिए कुछ था ही नहीं और इसके लिए भी भाई ट्रीटमेंट पूछ लिया है, बस लगाना है अभी। देखो थोड़ा सा ठीक हो गया। हेलो, हाँ भाई, भाई पीना है ये, खाना नहीं है। Meanwhile, कोई बात लगता है हमने भाई बहुत ज्यादा प्यार करे हैं, बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, बस गुस्सा तब आता है जब आप बाय जब आप सो रहे होते हैं और ये गेट पे अतुल चाचू अतुल चाचू अतुल चाचू करते हैं। पर कोई बात नहीं भाई, बच्चे हैं, समझाने से मान भी जाते हैं, बात भी मान लेते हैं भाई। तो आज इनको मैंने नई ड्यूटी दी है, वो है जो मिट्टी के बर्तन भाई आज मैं लेके आया हूँ डॉगीज़ के लिए। और ऐसे ऐसे बर्तन मैं अलग अलग जगह पे भाई बांटूंगा भी रखूंगा भी ताकि उसमें भाई डॉग्स को प्रॉपरली पानी मिल जाए, क्योंकि ना हमारी गली में भी भाई बिल्कुल नहीं था, मतलब मैंने ध्यान किया कि पानी पीने का कुछ ऑप्शन ही नहीं था और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो कहाँ से पियेंगे। तो अभी जो सबसे बड़ा साइज मिला वो ये था, बाकी मैंने ना और भी देखे थे, कल को ज़रूरत पड़ेगी, गमले टाइप के आते हैं वो भी ले आएंगे।
हम चलते हैं मंदिर में। ये देखिए भाई, इसने एक्टिंग देखिए इसकी, बाड़ा पूरा लगेगा भाई। भैया ने सोचा था किराया देने का बच जाऊंगा, इन्हें नहीं मेरा बाड़ा पूरा लगेगा। Meanwhile, कितने साल का तू? अच्छा ब्लॉग कौन कौन देखता है भाई? पहले मम्मी का समय सबने गाड़ी देख कर दे। अच्छा आप देखोगे? पक्की बात है, फोन है ना सबके पास, ब्लॉग में भी आओगे सारे। फिर उन्हें दोस्तों ने भी दिखा दियो, मेरे अपना सिस्टम है। आज सबके साथ एक साथ ले ले फोटो, आज हाइट वाइज खड़े हो जाओ भाई। सो भाई आज मंदिर में भाई काफ़ी लोग मिले, और लोग तो क्या थे भाई, बच्चे थे सारे। और जब मैं मंदिर में आ रहा था ना, पीछे से बोल रहे थे अतुल 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 दी अवलोगर अतुल दी अवलोग। तो मैंने कहा मैं एक बार पहले दर्शन कर लूँ। तो भाई जब जैसे ही दर्शन करके निकला तो सारे ना बाहर थे, तो मिला भाई सबसे। और कुछ उनमें से भाई ऑलरेडी देखते थे, कुछ नए लोग थे, तो इट फील्स गुड। और ज़्यादा तो मेरे को लगता है कि भाई यहाँ अपना शिवजी मंदिर में भाई बहुत पावर है, यहाँ विजिट ज़रूर करना चाहिए। तो अब चलते हैं भाई हनुमान मंदिर। अच्छा लगा भाई छोटे छोटे भाइयों से मिलके, सब्सक्राइबर नहीं भाई, वो भाई ही होते हैं अपने, छोटे बड़े जो भी मिलते हैं। बट हाँ अब थोड़ी सी खुशी मिलने लगी कि लोग जानते हैं पहचानते हैं, दिन में दो तीन जगह तो जरूर होता है। उस दिन अंकुश को मैं दिल्ली लेके गया, तब भी भाई रास्ते में सात आठ जगह हमें रोका और ऐसे बातचीत हुई, तो इट फील्स गुड। कुछ लोग थार को अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि व्लॉग देखे थे, कुछ बोलते हैं कि भैया अब से आपके सब्सक्राइबर बने हैं, अब से आपके व्लॉग्स देखेंगे, तो इट रियली फील्स सो गुड। वर्कआउट हो गया आज का अपना पूरा, और ये है हमारे गोल्डी भैया। और भाई सारे भाई जाएंगे जूडियो में, तू भी चला गा। तो भाई अपना शॉपिंग वॉपिंग सी करने चलेंगे थोड़ी बहुत, और मैं भारत की गाड़ी लेके चलेंगे भाई, क्योंकि इसमें 5 सीटर है, अपनी गाड़ी यहीं छोड़ देंगे। गोल्डी भैया, मैं अंकुश, वंशु और भारत, और भारत के जो साथ आते हैं हमारा एक छोटा भाई, भारत की गाड़ी दूर खड़ी है, वो लेके चलेंगे भाई आज। लो भाई एक सवारी, दो सवारी भाई। अरे इतना बड़ा है तू? भाई यो देख लो, छोटा सा छोरा है, 6 फुट 3 इंच का, ठीक है दो रहना खड़े होते हम, छोटा छोटा फील होगा ना भाई साहब। लो भाई आ गए, ये जोता है जोता। भाई आगे स्टूडियो में गोल्डी भाई साहब का थोड़ा बैम कटवाना था, क्वालिटी वगैरह का लेकर। मैंने बताया था वैसे कि गरीबों का शोरूम है स्टूडियो, जारा का भाई चाचा का छोरा है, उसका नाम है स्टूडियो। 2000 years later भाई साहब का स्टूडियो का बूथ 5 मिनट में उतर गया। तो अब यहाँ से जाएंगे भाई हम सारे सिटी स्टोर पे, इन दोनों का भाई अलग ही आराना चल रहा है। चलो भाई चलो गाइस, चलो 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 भाई आगे बढ़ते रहो। भाई हमारा छोरा, एक तो हमारा मैनेजर साहब, एक सिटी स्टोर पूरा फैल रहा है भाई इंस्टाग्राम पे। ये देखो ये बात, ये लग गए भाई शॉपिंग करन निब्बा निब्बी। लो भाई दोनों भाई है ना ब्लैक ब्लैक फैन ली। गोल्डी भाई, गोल्डी भाई के लिए भी ट्विनिंग होगी।
अंकुश के लिए भी ट्विनिंग होगी। ये है हमारे रिलेटिव जी मिस्टर दीपक गहलावत, ये हमारे भाई छोटे भाई है, और ये हमारी बहन है भाई। ये भाई हमारी बड़े हैं हमारे रिलेटिव। और अब जैसे आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो शर्ट है ना इसका एम आर पी देखो 10,000 है। अब रेट पूछता हूँ मैं कि ये कितने की है। हेलो स्मॉल मैनेजर सिटू, ये शर्ट कितने की है भाई? 10,000 एम आर पी वाली। 1,000 देख रहे हो भाई, 10,000 एम आर पी है और यहाँ पे ये 1,000 में, मतलब 90%। चलो भाई सिटू थैंक यू सो मच। और भाई मेरे ये वैसे कहने की जरूरत नहीं है, मेरे रिश्तेदारों का और मेरे दोस्तों का, मेरे सब्सक्राइबर का अलग से रिगार्ड रखता है ना। चलो भाई हमारी शॉपिंग की तो भाई साहब, ये भाई ये हमारे रिश्तेदार यहाँ छोड़ दिए हैं, अब हम जा रहे हैं ऊपर। ओके दीपक भाई, तो अब दिखाते हैं भाई किसने क्या क्या कितना लिया है। फिर लिया है, कहाँ जा रहे है, दिखा तो दे। ले आओ भाई, अरे वो कहाँ है कपड़े वपड़े सारे, स्कूटी तुम गाड़ी में बैठ जाओ। दिखाओ भाई सामान तो दिखा दे, अंदर भी डाल दिए हैं। तो भाई जूडियो पे से किसी ने कुछ नहीं लिया, जस्ट बिकॉज की भाई क्वालिटी अच्छी नहीं थी। okay. यहाँ पे ज्यादा मजा आया भाई सब? हाँ बढ़िया क्वालिटी थी भाई, मैं तो वैसे भी आता रहता हूँ यार, मैं तो वैसे घूमने गया था भाई सब, गए अपना स्कूटी पे। और अब हम चलेंगे सारे घर पे जल्दी जल्दी से, फिर अपनी थार उठा के फिर जाएंगे भाई घर पे। लो भाई पहुँच गए। ओके अंकुश बाय। ठीक है भाई, अरे भाड़ा तो दे दे। धन्यवाद भाई। अरे धन्यवाद निकाल, एक प्रोटीन स्कूप पिया दिए। ठीक है पी लीजिए। ठीक है याद, बॉडी ऐसे बनती है भाई। 2000 years later. लो जी खाना हो गया है रेडी और ठंडा भी हो गया है, और हमारे बदमाश ने ज्यादा भूख लग रही है। आए हाय एक्शन है। बाकी भाई इनको इस टाइम पे यहाँ रोक देता हूँ ताकि खाना मैं अच्छे से सर्व कर सकूँ। पानी की फैसिलिटी पूरी है भाई, चार चार बाल्टियाँ, छः डॉग्स के लिए चार बाल्टियाँ हैं और उनके लिए ऊपर अलग से है। और आज तो भाई गली वाले बच्चों के लिए भी दो जगह रख दिए मैंने, बट ये जो मिट्टी के बर्तन है ये मैं और लेके आऊँगा, और डेली भाई फिर इनके पानी की भी सुविधा बहुत अच्छे से रखनी पड़ेगी। चलिए अब खाना सर्व करते हैं। लो भाई दो जने भाईचारे में टूट रहे हैं, ये खाना ही वह खा लिए। आओ बात इधर आओ, समझ गया यो। ये ब्रीड है भाई समॉयड, ये भी है समॉयड, ये है वाइट जर्मन शेफर्ड, ये है साइबेरियन हस्की, ये है जर्मन शेफर्ड ब्लैक, ये भी है जर्मन शेफर्ड ब्लैक। और इनके भाई पानी की बंदोबस्त पूरा है, चलते बाहर। स्पीड देखो भाई, इनसे भाई बर्दाश्त नहीं है इनका प्यार बटर। चलो 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 चलो। एक खास बात है छोटे वाले हैं ना कति मांजते हैं भाई, शाबाश। बहुत बड़ा धर्म है भाई प्यासे को पानी पिलाना, और मेरी तो इच्छा हो रही है ये वाला भी इनके पास रख देता हूँ। छोटी सी दिक्कत ये है कि भाई ये ना मैं अभी परमिशन लेकर रखना चाहिए ये ना। देखो उसको, चलो वो सब भी प्यासे थे, ये भी प्यासे थे, अभी हो गया इनके लिए वो हो गया, और जब तक और नहीं आते तब तक ये बहुत है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ। और आज के दिन की भाई मेन चीज़ें ये थी, सिटी स्टोर प्लस में भाई आप भी अपनी गली में जो डॉग्स हैं उनके लिए पानी वगैरह की सुविधा ज़रूर रखिए। अगर बच्चे भाई ये व्लॉग देख रहे हैं तो भाई आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करें कि पापा हमें ऐसे ऐसे ना गली में बच्चों के लिए किसी भी बर्तन में किसी भी चीज़ में आप पानी रख सकते हैं। और खाने के लिए भी भाई उनकी ज़रूर कोशिश करें, चाहे आप एक रोटी अपने हिस्से की उनको डाल दें या फिर आप एक रोटी घर वालों को बोल के एक्स्ट्रा बनवाएं। और प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कौन कौन ऐसा कर रहा है, या जो पहले से कर रहे हैं या जो अभी शुरू कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।
नेवर। हेलो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस वी हैव हियर? पीने का पानी है वो।